गाइज़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज़ बस यहाँ पर सुबह के सारे काम हो गए हैं और उसके बाद अभी रोटियाँ बना रही हूँ और बस जो भी खाने में होगा आज बाद में दिखा दूँगी आपको, थाली में ही दिखा दूँगी कि क्या क्या है आज खाने में। और आज मुझे करनी है सारी क्लीनिंग, मतलब किचन की ही क्लीनिंग, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है यार, पूरा एकदम से नहीं हो रहा है, थोड़ा 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 आज मैं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा क्लीन करना है घर। वैसे तो क्लीन नहीं होगा और वैसे भी उधर का तो अभी क्लीन करना ही नहीं है, सिर्फ किचन ही क्लीन करनी है, क्योंकि उधर का क्लीन करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्या होगा कि उसके बाद जब फर्नीचर वाले आ जाएंगे और फर्नीचर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद और धूल मिट्टी बैठनी ही है, तो इसीलिए सिर्फ मैं अभी किचन ही क्लीन करने वाली हूँ उधर का। फिर तब क्लीन करूँगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा, मतलब फर्नीचर का सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरा क्लीन करूँगी, मतलब पूरा हाउस ही मुझे क्लीन करना है दिवाली के जैसा। और उसके बाद सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगा देना है और उसके बाद आपके लिए होम टूर आएगा जिसका आप वेट कर रहे हो। सब कुछ हो जाने के बाद सब कुछ करूँगी। अभी तो फिलहाल मंदिर टूर मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और हाँ, आप लोग रिक्वेस्ट तो करते हो यार बट देखते नहीं हो, इतनी सारी रिक्वेस्ट थी मंदिर टूर के लिए बट व्यूज़ देखो कितने कम आया है, मतलब बहुत ही कम लोगों ने देखा है। तो मंदिर टूर देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी उससे। अगर आपको वैसा बनवाना है तो आप बनवा सकते हो, अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है मंदिर तो आप वैसे उस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो मंदिर को अपने, बस वही बोलूँगी। और यहाँ पर सारा काम हो चुका है, मतलब खाना वगैरह बन चुका है, सिर्फ बर्तन वॉश करना बाकी है। तो मैंने सोचा चलो मैं फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ यहाँ की, मतलब जो भी कचरा वगैरह नीचे पड़ा था वो सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। खाना बनाने के टाइम बहुत सारे नीचे गिर जाता है, जैसे हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं तो नीचे गिर जाता है, फ्लोर गंदा हो जाता है, इसी वजह से खाना बनने के बाद एक बार झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ किचन में। तो वही यहाँ पर हो रहा है, बस झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी अपने। इस बार मैंने ऑर्डर किया है ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिंजिंग शावर जेल। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं डीप क्लिंजिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ एक्टिवेटेड चारकोल का, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं रिसेंटली पपैया फेस वॉश, गुड वाइब के जो फेस वॉश होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और अभी मैंने ये इस बार ऑर्डर किया है शावर जेल, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारी धूल मिट्टी जो अंदर की डर्ट होती है वो सारी निकाल देता है ये, मतलब आपको तो पता ही होगा चारकोल किस चीज़ के लिए है, जो डर्ट होती है आपके बॉडी के अंदर या ऊपर के धूल मिट्टी होती है, जैसे कि कोई आपके हस्बैंड बाहर से आते हैं तो वो बहुत सारी धूल मिट्टी लेके आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप घर पे रहते हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सारे डर्ट वगैरह निकाल देगा ये शावर जेल। इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा लिफाफे लेना है आपको और बस अप्लाई करना है, आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाएगी इससे। और इसके बाद अगर आपको शावर जेल यूज़ नहीं करना है, आपको सोप की आदत है, आपको मतलब लिफाफे लेके वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये ले सकते हो गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डिटॉक्स हैंडमेड सोप बार। तो इसमें 3 सोप आते हैं, इस तरह से ये पैक आता है 3 सोप का। तो और ये देखिए ये इस तरह से है, ये भी एक्टिवेटेड चारकोल से बने हैं और सोप है, हैंडमेड सोप है ये, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और शावर जेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और अभी सेल चल रहा है तो 22 मई से 24 मई तक अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा आपको सारे प्रोडक्ट पे। आपके लिए मैं ऑफर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, और इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपके लिए, आप चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक भी मिल जाएंगे और सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। अभी सेल चल रहा है तो सेल का फायदा उठाइए, अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा आपको सारे प्रोडक्ट पे। तो चलिए जल्दी से फायदा उठाइए और परचेस करिए जो भी आपको परचेस करना है। वो खाली हो गया है पूरा, खाने में है दाल चावल रोटी, उसके बाद पापड़ है, अचार है, चटनी है, और ये फल्ली की सब्जी है, मट्ठा है, और ये कल की सब्जी बची थी मूंगफली के दाने की पतली सब्जी, तो वो है।
चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ठंडा ठंडा नींबू पानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस पे सबसे पहले आपको इतना आपने बनाया है। ये लो। पकड़ो पकड़ो। आ पिस्ता काटना शिकुन गेला। अरे वाह। थैंक यू थैंक यू। इतने धूप में इन्हें ड्यूटी जाना पड़ रहा है अभी। ऐसे ही है यार, इतना मतलब पिछली बार भी हमें ऐसे ही लगा था कि ये धूप में जाते हैं ना, इस बार हम लोग अभी एसी नहीं चला रहे। एसी चलाने की वजह से मुझे लगा था कि वो हो गया है, तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से अभी दोपहर में एसी नहीं चला रहे। इनको ड्यूटी कभी भी जाना पड़ता है। अभी देखो इतने धूप में यहाँ पर ड्यूटी जा रहे, तो इसीलिए हम लोग एसी नहीं चला रहे। अब हम भी गर्मी में एसी सड़ रहे इनकी वजह से। हाँ ना, पिछली बार इसी का झटका कैसे लग गया था, कोरोना ही हो गया। नहीं, हमें भी लगा था कि कोरोना ही हुआ है करके। नाक का लगा हुआ, नाक का नाक पे लगा, वो सांस लेना नहीं आता क्या? सांस लेना होता, सांस नहीं। अब भाई हम गए थे टूर के लिए। हाँ, समुद्र के अंदर 25 फुट मैंने सांस लिया था, ये तो हम लोग तो जल्दी ऊपर आ गए। नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं, मैंने किया था उनको ऐसे से ऊपर करने के लिए, लेकिन वो लाए नहीं उन्होंने मुझे वो, 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 नहीं लेकिन लेके जा रहे थे। हाँ ना, अंदर जाने के बाद नहीं लेके, लेकिन ना नहीं, अंदर जाने के बाद पता चलता। बाबा बाप रे, चलो ये इनका छोटू सा सैनिटाइजर रहता है इनके इसमें डिक्की में, सब कुछ रहता है इनकी डिक्की में। दिखाओ तो पता चले आपको। दिखा दो क्या 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 है तो डिक्की टूर। नहीं नहीं, दिखा देती हूँ अभी डिक्की टूर, पता चले आपको क्या 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 जरूरत पड़ती है। चलो बाय बाय, काळजी घ्या। यायच्या वेळेला तुम्ही, यायच्या वेळेला जर दुकान ओपन असतील तर मग आणा काय काय आणायचं आहे तर। शॉप ओपन रहेगी तभी तो लाओगे ना। चलो बाय। ओके पप्पा। आज कर लेती हूँ पूरे किचन की क्लीनिंग, तो बस यहाँ पर वही चल रहा है। ये ड्यूटी चले गए हैं तो कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ मैं। शाम का टाइम था, शाम के टाइम से लगी थी, तो कितना टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम लग गया इसे क्लीन करने के लिए। अपने लगता है हमें कि नहीं यार बहुत जल्दी हो जाएगा, बट नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी मैं इसको करते करते। बस अभी ये क्लीन कर लेती हूँ सारा कुछ, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
देखिए अभी सब कुछ क्लीन हो गया है और गैस स्लैब भी क्लीन हो गया है। इसके बाद ट्रॉलीज भी क्लीन हो गई है, देखो कितनी चमक रही है अभी, और बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और यहाँ पे चिमनी भी क्लीन हो गई है। तो सब कुछ क्लीन हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे। हो अभी अच्छा लग रहा है यार, खाना खाती हूँ। और हाँ, इन्होंने मैंने ना ये बनाया था, रोटी बना ली थी बट सब्जी नहीं बनाई थी। सब्जी सुबह की थी तो मुझे लगा हो जाएगा उतने में, सुबह की दाल थी, सब कुछ था। तो अभी इन्होंने लाया है चिकन फ्राई, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में आपको, ये जब निकालेंगे तब। बढ़िया सा चिकन फ्राई। अरे यार बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, अभी अच्छे से रिलैक्स होके खाना खाती हूँ। चलो एक एक दिन करना पड़ेगा मुझे सब कुछ, नहीं तो अकेले एक दिन करना सब कुछ। अरे यार अजीब सा लग रहा है अब, थोड़ा सा नींबू पानी पी लूँ क्या पहले, फिर उसके बाद खाना खा लूँ? ठीक है, थैंक यू बेटा, नींबू पानी दे दो यार, मुझे सच में ज़रूरत है नींबू पानी के। दो तीन बना दो। तिकडे जायचं का जेवायला? चलो हॉल में चलते खाना खाने। आदवी क्या हुआ? अरे बापले, आती हूँ मैं भी नींबू पानी पीने के बाद। द्विक काय करत आहे तू? रबर चाहिए बोलते मुझे। अद्विक किस लिए रबर किस लिए चाहिए? खेलने के लिए। रबर खेलने की चीज होती है क्या? चलो रखो अद्विक, खाना है तो खाओ नहीं तो रहने दो। चलो चलो मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं ना बेटा, चलिए खाना खा लेते हैं और इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।